वन मिनट रिवीजन में आप सभी का स्वागत है। तो आज दिनांक 24 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर देख लेंगे, वो भी एक मिनट में। तो दोस्तों, हाल ही में फरवरी 2022 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने भारत में खेतों में कीटनाशकों को छिड़काव करने के लिए 100 किसान ड्रोन की शुरुआत की है। और दोस्तों, हाल ही में नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य असम राज्य बना। और दोस्तों, हाल ही में नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा खिलाड़ी आर प्रज्ञानंदन जी बन गए। हाल ही में कार्लोस अल्काराज जी ने ATP 500 का खिताब जीता। यह खिताब जीतने वाले सबसे युवा खिलाड़ी है दोस्तों कार्लोस अल्काराज, जो कि स्पेन के खिलाड़ी है दोस्तों, टेनिस प्लेयर। और दोस्तों, हाल ही में केएन राघवन जी को इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में फरवरी 2022 में भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी T20 रैंकिंग में 1 बनी। हाल ही में जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के ब्रांड उत्पादक के रूप में लैवेंडर को चुना गया। हाल ही में तनिष्का कोटिया जी को गुरुग्राम हरियाणा के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया, नियुक्त किया गया। हाल ही में थम्सअप ने शाहरुख खान जी को अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। हाल ही में IBM कंपनी ने एशिया पैसिफिक में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सिक्योरिटी सेंटर की स्थापना करने की घोषणा की। हाल ही में 20 से 29 मार्च 2022 तक आगरा में आयोजित किया जाएगा ताज महोत्सव 2022। और दोस्तों, हाल ही में आंध्र प्रदेश के उद्योग मंत्री मेकापति गौतम रेड्डी जी का हाल ही में निधन हुआ। तो दोस्तों, यहाँ थे 24 फरवरी 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, वो भी एक मिनट में। धन्यवाद दोस्तों।